अब इस वक्त का स्पेशल, पूरा देश स्वाइन फ्लू की चपेट में आ गया है। लगातार बढ़ रहे स्वाइन फ्लू के मामलों और उससे हो रही मौतों ने लोगों को डरा दिया है, लेकिन आप डरे नहीं, बस सावधान रहिए। कैसे स्वाइन फ्लू से बच सकते हैं, देखिए पूजा मक्कड़ की ये स्पेशल रिपोर्ट। देश भर में स्वाइन फ्लू के मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है। दिल्ली में आंकड़ा 1500 को पार कर रहा है। ऐसे में वो मरीज जिन्हें अस्पताल में एडमिट कर लिया गया या फिर वो मरीज जो घर पर आइसोलेशन फैसिलिटी में रहना चाहते हैं, उनको क्या करना चाहिए और उनके तीमारदारों को क्या करना चाहिए? अगर आपके पास बहुत ज्यादा सामान नहीं है तो भी हम सबसे पहले आपको बेसिक्स बता दें। ये सैनिटाइजर है, मरीज के संपर्क में आने से पहले और संपर्क में आने के बाद आपको इस सैनिटाइजर को इस्तेमाल करना है और अच्छी तरह से इसे हाथों पर 2 मिनट तक रब करना है। ये है वो N95 मास्क जो कि स्वाइन फ्लू से आपको सुरक्षा दे सकता है। पब्लिक एरिया में जा रहे हैं तो आपको इस सर्जिकल मास्क से भी मदद मिल सकती है। अगर आप N95 मास्क नहीं खरीद पाए हैं तो उसके, अगर N95 मास्क आपने लिया है तो इसे कैसे इस्तेमाल करेंगे, कैसे इसे लगाएंगे? ये N95 मास्क है जो मैंने इस वक्त लगाया है। अगर मान लीजिए यहाँ कोई मरीज हो या फिर घर में भी आपके कोई मरीज है जिसे एडमिशन की जरूरत नहीं है तो उसे इस मास्क को लगाने की जरूरत है। उसके अलावा अगर आप हॉस्पिटल में है जो पूरी तरह से आइसोलेशन जिसे हम कहते हैं, ये हेड कवर है, इसे लगा सकते हैं और ये आपको हर तरह से प्रोटेक्शन देने के लिए, आपके सर को, बालों को बचाने के लिए भी काम आएगा। ये फेस प्रोटेक्टर है, इसे अगर आप बांध लेते हैं तो ये फुल प्रूफ तरीका हो जाता है जो आपको ये बताएगा कि अब ये डबल लेयर प्रोटेक्शन हो गई। मास्क आपने लगाया है, अगर आप इसको लगाते हैं तो आपको मास्क लगाने की जरूरत नहीं है सर? नहीं, मास्क फिर भी हमें यूज करना है। ये सिर्फ हमारी आईज को, फेस को सिक्रीशन स्प्लैश ना हो उनसे बचाता है। उसके अलावा अब ये कवर है जिसे हम लगाएंगे, ये मैंने ऊपर एक कवर लगाया है जिसने मुझे पूरी तरह से ढक लिया है। शू कवर हैं जो कि प्लास्टिक के बने हुए हैं, यानी एक पूरी तरह से बैरियर का काम कर रहे हैं जो ऊपर तक लगे हुए हैं। ये फेस प्रोटेक्टर है, ये मास्क है। ग्लव्स की भी जरूरत पड़ती है सर? नर्सिंग केयर करना है, कुछ उनकी हेल्प करनी है तो हम ग्लव्स को यूज करते हैं, लेकिन फिर भी हमें हैंड सैनिटाइजर यूज करना चाहिए ग्लव्स के पहनने के बाद भी। हर किसी को हॉस्पिटल आने की जरूरत नहीं है, हर किसी को एडमिशन की जरूरत नहीं है। जिनको ऑक्सीजन सेचुरेशन ड्रॉप कर रही है, जिन्हें हमें आईवी फ्लूड देना है, ग्लूकोज देना है या स्पेशलाइज्ड केयर की जरूरत है, उन्हें हॉस्पिटल में रहने की जरूरत है। बाकी जिनका सैचुरेशन ड्रॉप कर रही है लेस देन 90%, 85%, उन्हें रेस्पिरेटरी केयर की जरूरत है। अदरवाइज नॉर्मल लोग जो आम फीवर के हैं, उन्हें स्वाइन फ्लू पॉजिटिव भी है तब भी हॉस्पिटल में आने की जरूरत नहीं है। मास्क अपने साथ रखें, खासतौर पर आज के मौसम में जब स्वाइन फ्लू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और अगले एक हफ्ते तक इनके इसी तरह बढ़ते रहने की उम्मीद है। पूजा मक्कड़, मीडिया दिल्ली। जी हाँ, स्वाइन फ्लू का कहर जो है काफी बढ़ चुका है और आइए अब आपको दिखाते हैं कुछ आंकड़े। अब तक करीब 8500 स्वाइन फ्लू के केसेस सामने आ चुके हैं। ये अहम आंकड़े हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। स्वाइन फ्लू से 550 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में स्वाइन फ्लू से 1475 मामले अब तक सामने आए हैं। दिल्ली में स्वाइन फ्लू से अब तक 6 लोगों की मौत भी हुई है। पूरे देश के सरकारी अस्पतालों में स्वाइन फ्लू से निपटने के पुख्ता इंतजामों का दावा किया जा रहा है। स्वाइन फ्लू से मरने वाले ज्यादातर मरीज दूसरी बीमारियों से भी जकड़े हुए हैं। गर्मी बढ़ने के साथ साथ स्वाइन फ्लू के वायरस नष्ट भी हो सकते हैं। कि जहां तक H1N1 वायरस का सवाल है, यह वैसे वातावरण में व्याप्त है। जैसे ठंड बढ़ती है ये ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं और सर्दियां आने से पहले ही हमने इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग, इसके लिए प्रॉपर व्यवस्था और इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग कर दी थी। इस दृष्टि से एक तो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, दवाइयां और टेस्टिंग फैसिलिटीज और टेस्टिंग लैब्स और इसके साथ साथ आइसोलेशन वार्ड्स, ये सरकारी अस्पतालों में माकूल और पर्याप्त मात्रा में हम लोगों ने रखा है। देशभर में कितने अस्पतालों में सर इस तरह के इंतजाम किए? स्टेट्स में सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में इस तरह की व्यवस्था की गई है, सभी स्टेट्स में। तो हमारा इस मामले में सिर्फ एक ही बात कहनी है कि पैनिक करने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, अलर्ट रहने की जरूरत है। और आज के सेशन में बात करते हैं दिल्ली सरकार के एक्शन की। दिल्ली सरकार ने कामकाज संभाल लिया है और सस्ती बिजली, मुफ्त पानी पर विभागों को